हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग में कोई भी जर्नल एंट्री करने के लिए हमें अकाउंट्स का टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी जर्नल एंट्री बहुत ही आसान हो जाती है। अगर हमें अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में नहीं पता है तो जर्नल एंट्री करने में हमें बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो अकाउंट में हैं वो मेन तीन हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन कैटेगरी होती हैं: नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, एक होता है नेचुरल पर्सन्स अकाउंट्स, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। एंड थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो हमारे किसी भी तरह के जो पर्सन होते हैं उनके अकाउंट आते हैं, चाहे नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन्स अकाउंट में नॉर्मल जैसे राम्स अकाउंट, कोई भी पार्टिकुलर नेम होगा उसका, पार्टिकुलर पर्सन का जो अकाउंट होगा वो हमारा नेचुरल पर्सन्स अकाउंट होता है। आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट में कोई भी फर्म है, कंपनी है, बैंक है, ये सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट होते हैं, जो कि रियल में पर्सन नहीं होते हैं लेकिन लीगली इन्हें हम एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में देखते हैं। जो हमारा तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट्स, इसके अंतर्गत आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसी तरह के अकाउंट आते हैं। यानी कि आउटस्टैंडिंग, अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं तो वो हर मंथ की फर्स्ट डेट को ड्यू हो जाती है, लेकिन अगर उसका पेमेंट हम बाद में करते हैं तो उस उतने टाइम में जो हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से करते हैं। अगर किसी भी महीने की पहली तारीख को अगर हमें पेमेंट करनी है सैलरी को और उसे हम पहले ही कर देते तब उसे प्रीपेड करते हैं। इसी तरह इसमें अनअर्ड इनकम और अकर्ड इनकम, ये इस तरह के अकाउंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट होते हैं। दूसरा हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो बिज़नेस की एसेट्स होती हैं वो आती हैं। रियल अकाउंट टू टाइप्स के होते हैं, पहला टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट में वो सभी एसेट्स आती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उनका कुछ मुद्रा में मूल्य होता है। यानी कि जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये सब हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल असेट्स इसमें सभी के सभी राइट्स होते हैं, जैसे पेटेंट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये सब होते तो हैं लेकिन इन्हें हम छुआ देख नहीं सकते हैं, पर इनकी मनी में कोई ना कोई वैल्यू होती है, इसीलिए इसका बैलेंस शीट में हम
बैलेंस शीट बनाते समय इसे एसेट्स में दिखाते हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, किसी। अब जो लास्ट अकाउंट हमारा है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस के सभी एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस और इनकम जो भी हमारी होती है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आती है। ये हमारे तीन अकाउंट होते हैं, इसी के बेसिस पे हम कोई भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्टिव होता है, यानी कि अगर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो रियल या नॉमिनल डेबिट होगा। जैसे कि एक ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब इसमें हमारे दो अकाउंट इफेक्टिव, पहला परचेज अकाउंट और दूसरा है हमारा कैश अकाउंट। अब इसमें हमारा ये भी रियल है और ये भी रियल है, कैश हमारी एसेट्स है और परचेज बिजनेस के लिए गुड्स के थ्रू में है, तो ये भी हमारी असेट है। तो ये दोनों ही दो अलग अलग अकाउंट है, लेकिन टाइप इनका एक ही है। डबल एंट्री सिस्टम में इसीलिए हर एक ट्रांजैक्शन दो अलग अलग अकाउंट्स को इफेक्टिव करता है। और अगली वीडियो में हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।